हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 19 का तो पहले वाला प्रश्न था वो हमने कर लिया था। आज हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न, इसी के अथवा में दे रखा है। बैक्टीरिया में अनुलेखन प्रक्रिया को समझाइए एवं आरेख चित्र बनाइए। तो देखो, पूछा गया है बैक्टीरिया में अनुलेखन। तो अनुलेखन होता क्या है, पहले अपन वो देखते हैं। केंद्रक में डीएनए की आनुवंशिक सूचना से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बैक्टीरिया में अनुलेखन की प्रक्रिया एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा होती है। इसी से तीनों प्रकार के आरएनए बनते हैं, जबकि यूकेरियोटिक में तीनों प्रकार के आरएनए के लिए तीन अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से आरआरएनए बनता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से एचएनआरएनए बनता है, फिर उसी से एमआरएनए बनेगा, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड से ये टीआरएनए बनाता है। ठीक, तो देखिएगा, ये है डीएनए की अनुलेखन जो प्रक्रिया होगी। अनुलेखन किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर डीएनए में दो सूत्र होते हैं, 3 डेज से एक, तो 5 डेज, एक हो जाएगा 5 डेज से 3 डेज। तो डीएनए के इस ऊपर वाले सूत्र जो 3 डेज से 5 डेज वाला सूत्र है, इसी पर टेम्पलेट रज्जू के रूप में काम करेगा, और इसके बाद ये हो जाएगा इसका कोडिंग रज्जू 5 डेज से 3 डेज। तो देखो, ये जो भाग है ये हो जाएगा इसका उन्नायक भाग, और बीच वाला पार्ट ये कहलाएगा इसका संरचनात्मक जीन, और थर्ड वाला कहलाएगा इसका समापक भाग। इसको आप इससे देखो, पहले हम देखते हैं कि अनुलेखन इकाई क्या होती है। इसके तीन भाग है, नंबर 1 उन्नायक भाग, नंबर 2 संरचनात्मक जीन, नंबर 3 समापक भाग। तो वही चित्र हम यहाँ देख सकते, देखेंगे इसको दोबारा से। देखो क्या कहना चाह रहा है चित्र, ये हो जाएगा इसका 3 डेज से 5 डेज, और ये नीचे वाला जाएगा 5 डेज से 3 डेज। ऊपर वाले को टेम्पलेट रज्जुक, नीचे वाले को कोडिंग रज्जुक। ये जो लाल वाला भाग है ये उन्नायक भाग है, यहीं से स्टार्ट होगी अनुलेखन प्रक्रिया, फिर हो जाएगा संरचनात्मक जीन जहाँ पर एमआरएनए बनेगा, और थर्ड समापक भाग, इस भाग के आते ही अनुलेखन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो इसी को हमने यहाँ देखा। देखो ये हो गया इसका उन्नायक भाग, इस पर सिग्मा कारक का काम करेगा, और ये आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ गया, और फिर इसी से आगे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा, तो इससे एमआरएनए बनकर तैयार हुआ, और ये श्रृंखला बाहर निकलती चली गई, और आगे जैसे ही समापक भाग आया तो ये अनुलेखन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। थ्योरी के रूप में देखिएगा इसको, बैक्टीरिया में अनुलेखन की क्रियाविधि। बैक्टीरिया में अनुलेखन की क्रियाविधि आरएनए पॉलीमरेज द्वारा 3 चरणों में होती है, प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन। सबसे पहले आता है प्रारंभन। अनुलेखन की प्रक्रिया का प्रारंभ उन्नायक भाग पर होता है। उन्नायक भाग पर जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ता है, वैसे ही अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बैक्टीरिया में उन्नायक भाग की पहचान सिग्मा कारक के द्वारा होती है। सेकंड है दीर्घीकरण, इलोंगेशन। आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है और डीएनए के रज्जुकों को अलग अलग करता है, और इस प्रकार डीएनए के 3 डेज से 5 डेज रज्जुक अर्थात डीएनए टेम्पलेट पर एमआरएनए का निर्माण होता है, जिसके निर्माण की दिशा 5 डेज से 3 डेज की ओर होती है, और एमआरएनए की श्रृंखला धीरे धीरे बनती जाती है और एक लंबी श्रृंखला प्राप्त होती है, इसे ही दीर्घीकरण या इलोंगेशन कहते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा पार्ट है समापन। जब आरएनए पॉलीमरेज समापक भाग पर पहुंचता है तो आरएनए बनने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और एमआरएनए अलग हो जाता है। इसके लिए समापक भाग में समापन कारक रो होता है। तो देखिए चित्र के माध्यम समझते हैं बैक्टीरिया में अनुलेखन प्रक्रिया का आरेखीय चित्रण। प्रारंभ, सबसे पहले ये जो पार्ट है उन्नायक वाला भाग, यही भाग क्या करेगा, यहीं से जो शुरुआत कारक होगा, जिसे हम कहेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज किस पे आके जुड़ेगा, उसके सिग्मा कारक पर। तो सिग्मा कारक पर आके जुड़ गया और ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई। सेकंड वाले में क्या हुआ, एमआरएनए बनना स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे ये आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा एमआरएनए यहाँ से बनता हुआ इस प्रकार ये निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि ये जो जैसे ही अगले चरण में समापन कारक आ गया, तो समापन कारक आते ही ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार यह अनुलेखन की क्रिया जो बैक्टीरिया में पूछी गई थी, इसका आरेखीय चित्रण ये कंप्लीट हुआ। और इसका एक चित्र और है बुक वाला, वो देखो, ये उन्नायक भाग, वही सिग्मा कारक, ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई यहाँ से, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है आरएनए पॉलीमरेज, वैसे वैसे क्या बन रहा है, ये आरएनए बन रहा है।
एमआरएनए का निर्माण होता जा रहा है, श्रृंखला बढ़ती जा रही है, इसी को दीर्घीकरण कहा। और फिर थर्ड प्रोसेस है समापन। जैसे ही यहाँ पर समापन कारक आता है रो, तो रो कारक क्या थे, ये प्रक्रिया रुक जाती है, अर्थात आरएनए का निर्माण बंद हो जाता है, इसी को कहते हैं अनुलेखन प्रक्रिया। तो ये थी बैक्टीरिया में अनुलेखन प्रक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा और ये अनुलेखन प्रक्रिया समझ में आएगी।